सो ये है तेजेंद्र मेरे नर्सरी का दोस्त, और ये है दीपक मेरे फोर्थ क्लास का फ्रेंड, और हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए। अब एक कमाल की बात बताता हूँ, दीपक है हमारा बीटेक सेकंड ईयर, तेजेंद्र है हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर। सो गाइस ये अपनी जीएलए की मार्केट। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी जस्ट मैं आ गया हूँ जिम से वापस, और आज है 20th अक्टूबर, और आज के दिन आप मेरे क्विट का बर्थडे वाला व्लॉग देख रहे होंगे। सो जिसने बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा हो व्लॉग देख लेना। और आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ मथुरा जीएलए यूनिवर्सिटी अपने दोस्त अपने भाई दीपक परियार के पास, और एक दिन के लिए आज मैं हॉस्टल में रहूँगा और देखूँगा हॉस्टल लाइफ कैसी है। सो अभी चलते हैं नहाने और फिर मिलता हूँ आप सबसे आगे। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज अभी हो चुका हूँ नहा धो के तैयार, और अब चलते हैं सिकंदरा, क्योंकि हमें वहीं से मथुरा के लिए बस मिलेगी, और आज मैं पहली बार बस से मथुरा जा रहा हूँ। सो मिलते हैं आगे। और ये है पोपू, पोपू व्यूअर्स को हाय कर दो। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज़ फाइनली मैं जीएलए यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं, और मैं हरियाणा रोडवेज़ में बैठ के आया था, जिसको इंडिया की सबसे ख़तरनाक रोडवेज़ कहते हैं। मतलब उसको ख़तरनाक क्यों कहते हैं आज मुझे पता चल गया, इतनी सारी रोडवेज़ में बैठा हूं मैं, लेकिन हरियाणा रोडवेज़। चलो चलते आगे और मिलता हूँ आप सबसे। सो गाइज़ अभी हो चुकी है पेट पूजा, और अभी हम चल रहे हैं दीपक भाई के रूम में। सो मिलते हैं सीधा रूम पर। गाइस ये देखो यार क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जीएलए वालों ने, इनमें से हवा आती है। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हॉस्टल के रूम में, और रूम कुछ ऐसा है। अब चलते हैं सोने, पेट पूजा हो चुकी है और सुबह का उठा हुआ हूँ, तो मिलते हैं उठने के बाद। सो गाइस गुड इवनिंग, अभी उठ चुका हूँ सो के सोया किसी और रूम में था, उठ किसी और रूम में रहा हूँ। एक्चुअली वो रूम दीपक के फ्रेंड का था, दीपक के पास उस टाइम की नहीं थी और वो फिर अपनी क्लास में चला गया था। अब ये पूरा रूम दीपक का है, यहाँ से लेके पूरा अपना यहाँ तक, मैं कुछ अभी दिखाता हूँ रूम साइज। सो मिलते हैं आगे। सो ये अपना डोर, और ये अलमीरा से लेके सामने अपनी विंडो यहाँ से, और फिर यहाँ पे ये रूम ख़त्म, बस इतना ही रूम है। सो अभी दीपक तो गया है बाहर, तब तक मैं चलता हूँ नीचे और आप सबको कैंपस वगैरह दिखाता हूँ, तो मिलते हैं आगे। सो गाइस ये है जीएलए का वॉशरूम, तो ये देखो सामने अपनी विंडो वगैरह, इधर अपने वॉश बेसिन, एंड ये अपना वॉशरूम है पूरा बॉयज़ हॉस्टल का, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज ये है जीएलए का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ से लेके पूरा अपना यहाँ था, और बढ़िया ग्राउंड है अपना। सो गाइज ये है जीएलए का फुटबॉल ग्राउंड, और
सामने अपना गार्डन वगैरह है जहाँ लोग बैठते हैं, और पीछे अपना पूरा मार्केट है। चलते हैं आगे। सो गाइस, ये अपनी GLA की मार्केट। यहाँ पे अपने सारे खाने पीने की दुकान है, ऊपर अपना सलून वगैरह है, कपड़ों की दुकान है, और अपने साथ है ध्रुव भाई और ध्रुव भाई के दोस्त हिमांशु भाई। हाय करो। चलो, और ये अपना पूरा मार्केट है अपना। यहाँ पे सारा अपना सिटिंग वगैरह है सामने, और ये अपना पूरा स्टॉल्स वगैरह है, कियोस्क वगैरह सब। तो ये अपना पूरा खाने वगैरह का है। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज, अभी वापस आ चुका हूँ नीचे से घूमकर रूम पे, एंड अभी रात को दोबारा चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह हुई है कॉलेज में। सो जब रात को वो सब चालू हो जाएगा तो फिर दोबारा चलेंगे और आपको दिखाऊंगा। सो मिलते हैं रात को। सो गाइज, अभी आपने देखा कि कैसे बगल वाले रूम में सारे लड़के वड़के पार्टी कर रहे थे, नाच रहे थे। सो अब चलते हैं डेकोरेशन देखने। सो मिलते हैं नीचे। आपने कॉलेज देख लिया होगा कि दिवाली की वजह से कितना अच्छा सजाया हुआ है। सो ये है तेजेंद्र, मेरे नर्सरी का दोस्त, और ये है दीपक, मेरे फोर्थ क्लास का फ्रेंड, और हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए। अब एक कमाल की बात बताता हूँ, दीपक है हमारा BTech सेकेंड ईयर, तेजेंद्र है हमारा BTech फर्स्ट ईयर, और एक मैं जो अभी तक कॉलेज ही गया ही नहीं आज तक। सो अब चलते सीधा रूम पर और मिलते आगे। सो गाइज, आपको डेकोरेशन देखकर मज़ा आ गया होगा, एंड अभी आ चुका हूँ पेट पूजा करके। मतलब मैंने मैस का खाना सुबह भी खाया था, शाम को हमने सैंडविच खाए थे, रात को भी खाया था। मतलब जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि दाल पानी की तरह मिल रही है, रोटी पत्थर की तरह मिल रही है, ऐसे तो यार मतलब कुछ भी नहीं था। सो अब चलते हैं सोने, और मिलता हूँ आप सबसे कल सुबह। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज, सोने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दीपक के रूम में एक ऐसा बल्ब है जिसका कलर अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा, एक सेकेंड, ये देखो अब ये रेड हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगा, एक सेकेंड, ये देखो अभी ये येल्लो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे येल्लो कर रखा है। अब मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। मस्त चीज़ है यार। अब देखो मैं इसको यहाँ से ब्लू कर दूंगा तो ये ब्लू हो गया। सो अब चलते हैं सोने। सो मिलते हैं कल सुबह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो अभी सो के उठ चुका हूँ, और अब चलते हैं नहाने, फिर आगरा की तरफ निकलेंगे। सो मिलता हूँ नहाकर आप सबसे। सो गाइस, फाइनली नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, और GLA यूनिवर्सिटी से अब चलने का टाइम आ चुका है। मतलब यार यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आया था यहाँ पे हॉस्टल लाइफ जीने के लिए, लेकिन रात को हमने इतना मज़ा करा, इतना घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। मतलब मैस के खाने से लेके हॉस्टल लाइफ के रूम तक सब बढ़िया था। सो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड हैप्पी दिवाली।